सॉलिड को हमने कहा सल्यूट और लिक्विड को हमने कहा सॉल्वेंट इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये है हमारा सोल्यूशन और अगर वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते तो हम कहेंगे दैट दिस इज आवर सस्पेंशन ये है सोल्यूशन की टाइप्स आज हम करने जा रहे हैं एक और टॉपिक को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा आइए शुरू करते हैं तो आपके सामने मैंने टॉपिक लिखा सेपरेटिंग सोलिड फ्रॉम लिक्विड अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास सोलूशन आता है अब या तो ये सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा या नहीं होगा अगर तो हो गया और हमने इसको सोलूशन कह दिया तो हम इसको डिफरेंट तरीके से सेपरेट करेंगे और अगर तो ये डिजोल्व नहीं होता मतलब ये सोल्यूशन की जगह सस्पेंशन फॉर्म करता है जिसमें हमारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन करते हैं तब हमारा जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आज हम दोनों पढ़ेंगे नंबर वन इज सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड पहली एग्जाम्पल में हम सस्पेंडेड सॉलिड को हम लिक्विड से अलग कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं हम वो भी पढ़ेंगे जिसमें हमारा सॉलिड कंप्लीटली डिजोल्व होता है लिक्विड में तब हम उसको किस तरह से सेपरेट करेंगे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ इज अबाउट सस्पेंशन। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारा सॉलिड नहीं हो रहा यहाँ पे सेपरेट करना है प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन फिल्टरेशन का प्रोसेस जो है वो फिल्टर पेपर से इसका नाम डिराइव किया गया है फ्रॉम फिल्टर फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज से अलग करना छान लेना जिसको आप देखते हैं कि जब आपके घर में आपकी मावा चाय बनाती हैं, तो उसको छाना जाता है बिफोर गिविंग इट टू यू ताकि आपके मुंह में सॉलिड पार्टिकल्स जो पत्ती के हैं वो मत आए बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको छान लिया जाता है इसके तीन यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखे ए बी एंड सी वो हम एक एक करके समझते हैं फर्स्ट स्टेप इज

पोर करेंगे या गुजारेंगे फिल्टर पेपर में से तो जो लिक्विड है वो उसके अंदर से पास थ्रू कर जाएगा यहाँ मैंने रेड कलर से लिखा फिल्टरेट हमने वैसे तो लिक्विड को नाम दिया था सॉल्वेंट का मगर इन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन जब भी हम फिल्टरेशन का प्रोसेस करते हैं तो जब लिक्विड अलग हो जाता है उसको हम नाम देते हैं फिल्टरेट का जो कि यहाँ मैंने लिखा फ्रॉम फिल्टरेशन ही वर्ड डिराइव किया गया है फिल्टरेट तो जब हम लिक्विड को या मिक्सचर को गुजारेंगे एक फिल्टर पेपर में से तो जो लिक्विड क्लियर लिक्विड है वो पास थ्रू कर जाएगा हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स विच इज दी पॉइंट विच से सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स के सामने लिखा गया है रेजिड्यू रेजिड्यू कहते हैं ऐसी चीज को जो पीछे बच जाए अब क्योंकि क्लियर लिक्विड पास थ्रू कर गया और आगे चला गया छानी में हमारे पास पीछे बच जाता है सॉलिड पार्टिकल्स का रेजिड्यू यहाँ पे फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड तो हम ऐसी चीज को जो पीछे रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू तो जब भी रेजिड्यू की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सॉलिड पार्टिकल्स की बात की जा रही है और जब भी नाम लिया जाए फिल्टरेट का तो याद रखिएगा ये लिक्विड की बात हो रही है जो कि फिल्टर करके आगे चला जाता है फ्रॉम द फिल्टर पेपर तो फर्स्ट पॉइंट था सेपरेटिंग अ अ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड हमने ऐसे सॉलिड को लिक्विड में से अलग करना था जो कि लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहा सस्पेंशन बना रहा है ऐसे सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए वी यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन फिल्टरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर को फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं जो लिक्विड होता है सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं फिल्टरेट फिल्टर पेपर में से पास थ्रू कर जाता है और जो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते होते हैं हैं कि लिक्विड में नहीं हुए होते, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते एज अ रेजिड्यू सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड हमने देख लिया कि सस्पेंशन में किस तरह से हमने सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग किया सेपरेट किया अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक डिजोल्व सॉलिड को लिक्विड से अलग करेंगे तो हमारा सेकेंड पॉइंट है सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड अगर तो कोई सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो रहा तो उसको सेपरेट करना आसान है सिंपली ऐसे कि हम उसको छान लेंगे और वो दो चीजें अलग हो जाएंगी मगर यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हैं। इसका मतलब वो एक ही सोल्यूशन बनाए हुए हैं इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा एज कंपेयर्ड टू अ सस्पेंशन कैन बी डन बाय इवेपोरेशन ये जो प्रोसेस है ये हम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन अब इवेपोरेशन का प्रोसेस मैं आपको एक दफा डिफाइन कर दू लिक्विड को जब भी हिट किया जाता है तो लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर लेता है दे आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर एक है सॉलिड स्टेट सेकेंड है लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैसीय स्टेट अगर हम बर्फ की बात करें देन दिस इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर अगर ये बर्फ पिघल जाए तो हम कहेंगे दैट दिस इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर अगर हम इस लिक्विड स्टेट को हीट करें तो लिक्विड स्टेट अपने आप को वेपर्स में स्टीम में चेंज कर लेगी एंड वी विल कॉल इट द गैसीय स्टेट ऑफ मैटर तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है इसमें लिक्विड स्टेट को हीट किया जाता है और वो अपने आप को स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। यहां पे उसी तरह तीन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एक एक करके समझते हैं ए, द मिक्सचर इज हीटेड जो भी हमारे पास मिक्सचर मौजूद है जिसमें सॉलिड और लिक्विड आपस में डिसॉल्व होकर सल्यूशन बना रहे हैं हमने उस सोल्यूशन को हीट किया तो अगर मैं इस मिक्सचर की जगह लिख दू सल्यूशन तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी क्योंकि पीछे हमने बात की ऐसे मिक्सचर की जिसमें सॉलिड डिजोल्व नहीं हो रहा एंड वी कॉल इट अ सस्पेंशन क्योंकि सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में वी कॉल इट अ अल्यूशन नंबर ए पॉइंट है कि हमने सोल्यूशन को हीट करना है जब हम सोल्यूशन को हीट करेंगे द लिक्विड सॉल्वेंट इवेपोरेट्स जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कर जाएगा यहाँ पे लिक्विड को हम सॉल्वेंट ही कहेंगे जैसा कि हमने इसे पहले लेक्चर में पढ़ा था अब जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कर जाएगा मतलब स्टीम में गैश स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा सी पॉइंट इज सॉलिड पार्टिकल्स मतलब क्रिस्टल्स कैन बी सीन लेफ्ट बिहाइंड जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाएंगे और यहाँ लिखा गया है क्रिस्टल्स वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स पीछे रह जाते हैं वन द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स इसकी एक एग्जाम्पल है या एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप पानी के अंदर सॉल्ट को या शुगर को डिजॉल्व करें उसके बाद इस पानी को इवेपोरेट करें मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करें बॉयल करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा कि लिक्विड खत्म हो जाएगा आपकी जिस भी बर्तन में आप उसको उबाल रहे हैं हीट दे रहे हैं वहां से वो खत्म हो जाएगा वो इसीलिए क्योंकि लिक्विड जो है वो इवेपोरेट करके गैशियस स्टेट में स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है पीछे जब आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएंगे क्रिस्टल्स ऑफ शुगर या सॉल्ट जो भी आपने मिक्स किया होगा उस वाटर में तो जरूर ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कीजिएगा ताकि आपको इवेपोरेशन का प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस समझ आ जाए सो नाउ वी आर डन विद सेकंड पॉइंट व्हिच वाज सेपरेटिंग अ सॉलिड व्हिच कैन कंप्लीटली बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड इसमें हमने ये किया कि हमने एक सोल्यूशन में से सॉलिड पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट को अलग कर दिया मगर इस प्रोसेस का एक नुकसान यह है कि हम इस तो एक नुकसान ये है इस प्रोसेस का कि जब भी हमने किसी सॉल्यूशन में से जैसा कि मैंने आपको कहा था सस्पेंशन में से सॉलिड और लिक्विड को अलग करना आसान है क्योंकि वो आपस में डिजोल्व नहीं हुए हुए मगर इन केस ऑफ सोल्यूशन वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से रिजोल्व होते हैं और इनको अलग करना मुश्किल है मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये आपस में बाउंड हुए होते हैं अगर हमने इवेपोरेट कर भी दिया तो हमारे पास सोल्यूट तो आ जाएगा मगर जो सॉल्वेंट है वो चला जाएगा इवेपोरेट कर जाएगा गैश स्टेट में कन्वर्ट होके डिसपियर हो जाएगा सो वी आर नाउ ओनली लेफ्ट विद आवर विद्यूट मगर अल्टीमेटली वी हैव सेपरेटेड द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड आई होप कि आपको दोनों प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे अब हम एक एक्सपेरिमेंट एक करेंगे जिसमें हमने एक मिक्सचर बनाया है और हमने दोनों चीजों को आपको जैसा कि मैंने बताया मिक्सचर तभी बनता है जब हम एक या एक से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं अब जरूरी नहीं कि ये दो लिक्विड्स हो या दो सॉलिड्स हो या एक सॉलिड एक लिक्विड हो बल्कि ये कोई भी चीज हो सकती है कोई भी स्टेट हो सकती है मैं आपको तीनों स्टेट्स की पहले एक एक दफा एग्जाम्पल दे देन वी विल मूव टू आवर एक्सपेरिमेंट पहली तो एग्जाम्पल वो जो अभी हमने डिस्कस की शुगर को पानी में डिजोल्व करना इट इज स्टेट स्टेट गेटिंग इन लिक्विड अगर हम इसी तरह सॉल्ट को सैंड में मतलब मिट्टी को और नमक को आपस में मिक्स करेंगे तब वो भी मिक्सचर होगा मगर ये होगा सॉलिड स्टेट विद अ सॉलिड स्टेट जिस तरह दूध में पानी को मिलाया जाता है दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर यहाँ पर भी दो लिक्विड स्टेट्स आपस में मिल रही हैं मगर हम इसको मिक्सचर कह रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है गैशिय स्टेट को लिक्विड स्टेट में डिजोल्व करने की जो आपके पास कार्बोनेटेड बेवरेजेस फिजी ड्रिंक्स मौजूद होती है इसमें यह होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर लिक्विड में इंसर्ट करते हैं डिजोल्व करते हैं और ये गैस लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है ये गैस जब लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है तभी हमारे पास कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनते हैं तो आपने देखा कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो उसको हम किसी और स्टेट ऑफ मैटर के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सैंड अब आप बता सकते हैं मुझे कि सॉल्ट इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड सैंड इज आल्सो अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे दो सॉलिड पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग इट अ मिक्सचर हमने इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग करना है सेपरेट करना है अपेरेंटली अगर हम देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के और इसी तरह बहुत छोटे क्रिस्टल्स होते हैं सैंड के इनको अलग करना बहुत मुश्किल है मगर हमारे पास तीन स्टेप्स का ये एक्सपेरिमेंट है जिससे हम बहुत आसानी से अलग कर लेंगे सॉल्ट को फ्रॉम सैंड मेरे नीचे ब्लू मार्कर से दो पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने बहुत ध्यान से देखने हैं सॉल्ट इज सॉलेबल इन वॉटर सैंड इज इन सॉलेबल इन वॉटर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे टू सेपरेट बोथ दीस सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर आइए देखते हैं कैसे तो तीन स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं स्टेप वन इज ऐड वाटर टू द सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर हमारे पास जो मिक्सचर मौजूद था सॉल्ट और सैंड का उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा जबकि जो सैंड है वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा इट इज इनसोलबल इन वॉटर तो जब हमने पानी किया और उसको स्टेयर किया अच्छी तरीके से हिलाया तो जो सॉल्ट है वो अच्छी तरीके से पानी में डिजोल्व हो जाएगा और जब हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नीचे कर जाएंगे हमने सेटल डाउन नहीं होने देना क्योंकि जब ये सैंड नीचे सेटल डाउन करेगा तो कुछ हमारा वाटर का पोर्शन भी उसके साथ सेटल डाउन कर जाएगा और सॉल्ट भी लूज हो जाएगा हमने ये करना है कि हमने अच्छी तरीके से हिला के स्टेप टू की तरफ चले जाना है स्टेप मिक्सचर फिल्टर पेपर इस्तेमाल हो रहा था एक सस्पेंडेड सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए केस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो सैंड है वो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है जो कि वाटर से अलग हो जाएगा थ्रू दिस प्रोसेस जब हम इस मिक्सचर को गुजारेंगे फिल्टर पेपर में से तो हमारा जो सोल्ट डिजॉल्व वाटर है वो आराम से निकल जाएगा फिल्टर पेपर में से जबकि जो हमारा सैंड है वो रह जाएगा एज ए रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर तो हमारा सैंड तो ऑलरेडी अलग हो गया अब बारी है सोल्ट की अलग होने की सो वी विल मूव टू वर्ड स्टेप थ्री हीट द्लेयर सोल्यूशन दैट इज लेफ्ट बिहाइंड अब हमारे पास जो तो सोल्यूशन रह गया है जिसको हम कह सकते हैं फिल्टरेट क्योंकि ये फिल्टर पेपर में से पास कर गया है इसमें पानी के साथ डिजोल्व हुआ हुआ सॉल्ट भी मौजूद है इसको हम करेंगे हीट हीट इसीलिए करेंगे बिकॉज व्हेन वी विल हीट दिस सॉल्यूशन लिक्विड विल इवेपोरेट यहां जब लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा तो इवेपोरेशन वही प्रोसेस था जिससे हमने एक में हुए हुए सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग किया था तो जब हम यहाँ पे इवेपोरेट करेंगे अपने लिक्विड मतलब पानी को तो हमारे पास सॉल्ट क्रिस्टल्स पीछे रह जाएंगे सो वी हैव सक्सेसफुली सेपरेटेड द सॉल्ट एंड सैंड फ्रॉम ईच अदर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट था जो कि अभी हमने मिलकर परफॉर्म किया और मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन कभी भी नहीं भूलेगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा हाफिज